हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राधाष्टमी की बहुत सी शुभकामनाएं। और आप लोग आज सोच रहे होंगे लोग इतनी सुबह सुबह जल्दी जल्दी क्यों स्टार्ट हो गया। लोग इतनी सुबह जल्दी इसलिए स्टार्ट हुए क्योंकि आज राधाष्टमी है और हम अभी जा रहे हैं स्नान करने। बाकी आपको एक बार बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही, बढ़ती है कि ठंड बड़ी ज़्यादा हो रही है। आप लोग देख सकते हैं मेरी ये छोटी टाइप जो भी है जैकेट ये पहन के रखी है। बाकी देखते हैं वहाँ जाके स्नान तो करेंगे भाई, आज राधाष्टमी है, वैसे भी आज ठंड नहीं लगती है। बाकी देखते हैं वहाँ जाके। बाकी आपको एक बार मौसम दिखाता हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। तो बाहर आप एक बार चेक करो मौसम किस तरह का है। अभी यहाँ पे कुछ इस तरह का मौसम हो चुका है, काले बादल छाए हुए हैं हर तरफ और ठंड बड़ी ज़्यादा है। अभी सुबह सुबह ठंड लग रही है भाई लिटिल। मैं मंदिर जाता हूँ, बाकी आप लोगों को वहाँ जाके दिखाता हूँ कि मंदिर कुछ किस तरह से सजाया हुआ है और पूल वगैरह की पूरी सफाई कर दी हुई थी कल, क्योंकि आज राधाष्टमी है। तो राधाष्टमी वाले दिन बहुत से लोग स्नान करने आते हैं, तो इसलिए पूरे पूल के आसपास पूरी सफाई कर दी होती है, पूल बिल्कुल साफ कर दिया होता है। मतलब अभी पर मैं जाऊँगा जब, तो तब थोड़ी मतलब पानी थोड़ा अजीब सा हो चुका होगा, धुंधला हो चुका होगा। बस ये चलता पानी है तो ज़्यादा गंदा होता नहीं, और इस पानी में नहाने से मतलब लोगों की बीमारियाँ वगैरह काफ़ी जो है वो दूर हो जाती हैं, टल जाती है बीमारियाँ वगैरह, शरीर की जो बीमारी होती है वो निकल जाती है। बाकी अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद नीचे। और बाकी आप लोगों ने भाई मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए, उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। बस ऐसे ही अपनी सपोर्ट बना के रखना। और बाकी स्नान वगैरह करके आते हैं हम, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और बाकी यहाँ मम्मी वगैरह जाके आ गए हैं। अभी भीड़ थी थोड़ी मंदिरा जो मंदिरा भीड़ा नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी वगैरह सुबह 4 बजे गए थे। अभी कितने बजे छुरी थे, 4 बजे कि 5 बजे। मम्मी वगैरह सुबह 4 बजे गए थे और अभी जाके आ गए ये, और मैं भी जा रहा हूँ। मैं कितना डग हूँ भाई। और आंटी भी मम्मी के साथ गए थे सुबह 4 बजे, अभी नहा के आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले ये बीमार थे और अभी ठंडे पानी से नहा के आ गए फिर से। और मैंने आप लोगों को बोला कि आज राधाष्टमी तो आज कोई बीमार नहीं पड़ता है भाई। बड़ी भीड़ थी आंटी की थोड़ी थी ठीक है। और भाई ये बंदा साल में एक बार नहाता है ना, इसको नहला गजब बेइज्जती है। नहीं लेके जा रहा हूँ मैं भी हैं। हाँ इधर तो मेरे लोग, इधर तो मैं तेरा ना आओ जी लिंक भेज ला। मानो बच्चा ठंड तो बड़ी लग रही है, मैं तो उड़ते ही आया हूँ। आज तो मैं लेट आया ना, पहले हम छोटे होते थे तब तो हम 4 बजे आ जाते थे घर वालों के साथ। मम्मी वगैरह सुबह 4 बजे आए थे। सो गाइस चेक करो आप कुछ इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह। और भाई लिटरली ठंड बड़ी ज़्यादा लग रही है वहाँ मेरे को तो। और भीड़ है नहीं पूल में, देख कोई नहीं आ रहा अभी तो। वहाँ मैं तो बस ऐसे करना है गंगा स्नान, जय गंगा मैया। छिट नहीं रहा नहा लेंगे। गाइस अभी हम लोग भागसुनाग मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये लोग ऐसे जी भाई हैप्पी राधाष्टमी। यहाँ पे लोग पूल में नहा रहे हैं, भीड़ तो है नहीं ज़्यादा, चेक करो आप। और भाई पानी बड़ा ठंडा लग रहा है मेरे को तो कदम से, और ये पानी बड़ा ज़्यादा ठंडा होता है ना। थोड़े से लोग नहा रहे हैं, हम भी ट्राई करते हैं नहाने की, नहीं तो गंगा स्नान ही कर लेंगे। जय गंगा मैया को चक्कर नहीं है, जय भागसुनाग। मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद नहाने के बाद। और इस बंदे को आलस पड़ा हुआ है भाई, इस बंदे को चिंता पड़ी हुई है नहाने की। बोल रहे भाई मैं तो छिट्टे मारूंगा, और ये अगर से छिट्टे मारे ना तो इसको मैं उठा के फेंक दूंगा पानी में। मंदिर का नजारा चेक करो। तो अब हम भी नहाते हैं, हम भी करते हैं राधे राधे।
अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं डल लेक में। चेक करो आप, डल लेक बाहर भर चुकी है पूरी फुल पावर। कहाँ तक पानी आ रहा है चेक करो, मछलियाँ भी हैं इसमें। और वो लगाई है मतलब उस तरफ जेंट्स शायद नहीं जा रहे हैं मुझे लगता है। बाकी वहाँ पे वो बंदे नहा रहे हैं थोड़े से, चेक करो आप डल लेक में। आज राधाष्टमी के दिन लोग स्नान कर रहे हैं। बाकी ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, बाकी मैक्लोडगंज का मेला भी लगा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये शिव जी का मंदिर है दुर्गेश्वर महादेव। हम तो सुबह वहाँ गए थे बागसुनाग, आपने देखा वीडियो में, वो मैंने शूट नहीं किया। और सुबह के टाइम तब ठंड भी पड़ी ज़्यादा थी। अभी इनको नहाता देख के मुझे फिर यहाँ नहाने का मन कर रहा है, बट अभी नहाऊंगा नहीं मैं। व्यू चेक करो आप एक बार यहाँ से, खूबसूरत लग रहा है वैसे। डल लेक भरी भरी अच्छी लगती है। मैक्लोडगंज मेले में कुश्ती का आयोजन यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे ये खोदा जा रहा है मैदान, मतलब बिल्कुल साफ करा जाएगा, ये पत्थर पत्थर ना हो, घास ना हो, पहलवानों को नुकसान ना होता कि। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे पार्किंग में हैं, और यहाँ से व्यू चेक करो भाई, मौसम साफ है वैसे ना। अब साफ हो जाए मौसम तो भी ठीक है।